अजय देवगन के पिता और स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन का आज निधन हो गया। विले पार्ले मुंबई में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सोनम कपूर अपनी फैमिली के साथ कजन प्रिया सिंह की शादी अटेंड करने पहुंची लंदन। इंस्टाग्राम पर सोनम ने कुछ तस्वीरें शेयर की। एडवर्टीजमेंट के लिए एक साथ आए लव बर्ड्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब रही। इनकी फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र और इन्हें पर्दे पर देखने के लिए फैंस है बेकरार। शाहरुख खान से पहले सलमान खान होते मन्नत के मालिक। स्ट्रगलिंग डेज के दौरान सलमान खान को मन्नत अपने नाम करने का ऑफर आया था, लेकिन उनके पिता सलीम खान ने उन्हें पूछा कि वो इतने बड़े घर का क्या करेंगे। इसी कारण से सलमान ने मन्नत खरीदने का ऑफर ठुकरा दिया। सलमान खान चाहते हैं कि कटरीना कैफ जल्दी शादी कर ले और बच्चे पैदा करे। एक इंटरव्यू में सलमान से पूछा गया कि अगर कटरीना एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या करती। इस पर जवाब देते हुए सलमान ने कहा कि वो शादी कर ले और बच्चे पैदा करे, क्योंकि एक माँ का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिल्म भारत के लिए कटरीना कैफ ही थी सलमान खान की पहली पसंद। एक इंटरव्यू में सलमान ने बताया कि उन्होंने आलिया बा जफर से कहा था कि प्रियंका चोपड़ा को ना लेकर कटरीना को ले। सलमान ने कहा कि प्रियंका फिल्म छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि उन्हें बुरा लगेगा। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस ने मनाया फर्स्ट डेटिंग एनिवर्सरी, यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ एक साल पूरा हो गया है। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा एक दूसरे के लिए इमोशनल पोस्ट। कियारा अडवाणी के हाथ लगी नई फिल्म। इंदु की जवानी में कॉमेडी करती आएंगी नजर। कियारा फिल्म में गाजियाबाद की लड़की इंदु गुप्ता के रोल में नजर आएंगी। '83 के बाद रणवीर सिंह ने साइन कर ली है अपनी अगली फिल्म। रामलीला के बाद फिर एक बार गुजराती बनेंगे रणवीर। फिल्म का नाम है जयेश भाई जोरदार। सोशल मीडिया पर किया अनाउंसमेंट। एक्स लवर्स कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के लिए रणबीर कपूर के दिल में आज भी बजती है घंटिया। इसलिए तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट बनाकर फॉलो करते हैं रणबीर। रणबीर ने एक इवेंट पर किया खुलासा कि वो कटरीना, दीपिका के अलावा आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को करते हैं फॉलो।